से। मेरा नाम निशा गरेवाल है और यूपीएससी सीएसटी 2020 में मेरे प्रथम प्रयास में 51वीं रैंक रही है। सबसे पहले मैं दलीप सर को नमस्ते देती हूँ और मैं उनसे पहले भी एक प्रोग्राम में मिली थी, और सुरेश गुप्ता सर जो बार बार मुझे ये अवसर दे रहे हैं जहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है आप सबसे बात करने का, क्योंकि जब से सिलेक्शन हुआ है मुझे पता लग रहा है कि मेरा परिवार बहुत विस्तृत है। जहाँ मैं जाती हूँ मुझे अपना एक्सटेंडेड फैमिली मुझे मिलती है, और यह भी उस एक फैमिली का हिस्सा है। देखिए, आज जिनके नाम से ये प्रोग्राम हो रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यूपीएससी की प्रिपरेशन में वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। आप सब उनकी जीवनी के बारे में पढ़ के देखिए, वो कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे हैं। देखिए, देश को चलाने के लिए एक रूल बुक होती है, उस रूल बुक को संविधान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अम्बेडकर जी उसके कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने डिबेट करवाई और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा संविधान है हमारा। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक आर्टिकल याद करना पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को अभी आर्टिकल याद कराना सिखाएं, लेकिन एक संविधान के बारे में जो बेसिक चीजें हैं, आप कोशिश करें कि घर पे वो माहौल बने कि बच्चों को पता हो कि संविधान होता क्या है, जिससे देश चल रहा है एटलीस्ट बच्चों को उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो। दूसरी बात, जो हमारे महात्मा व्यक्ति थे उनके बारे में आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएं, जैसे महात्मा गांधी हुए, अम्बेडकर जी हुए, कि कैसे वो कहां से उठकर कहां तक पहुंचे हैं, क्या उनकी जर्नी रही है। देखिए, अम्बेडकर जी ने बहुत सारी बातें बोली, उनमें से मैं दो तीन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला था बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजुकेटेड। इसका मतलब क्या है? आप सबसे पहले पढ़ें। देखिए, हम सबके पास कुछ भी खोने को नहीं होता। आपका जो शिक्षा होती है वो सबसे बड़ा धन होता है, कोई इस धन को आपसे नहीं छीन सकता, और शिक्षा के ही बल पे आप कहां से भी कहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, 24 सितंबर को मेरा रिजल्ट आया, उससे पहले मैं एक स्टूडेंट ही थी, और इस एग्जाम ने मुझे एक ऑफिसर बना दिया। किसके बल पे? सिर्फ शिक्षा के बल पे। तो शिक्षित व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है, और आपका शिक्षा ही सबसे बड़ा वेपन होना चाहिए। दूसरी बात, बिना ज्ञान के आपको समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। आप ज्ञानी व्यक्ति होंगे, लोग आपकी बात सुनने के लिए आएंगे, और आपका समाज में एक वर्चस्व होगा। सेल्फ डिग्निटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अम्बेडकर जी ने बातें बोली थी, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, देखिए अम्बेडकर जी ने मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए बहुत कुछ किया है, और वो ये भी बोलते हैं कि मैं किसी वर्ग से संबंधित नहीं हूं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। लेकिन इतिहास में हमें पता लग रहा है कि कैसे एक सेक्शन जो है वो हमेशा एक जो मेन सेक्शन था उससे अलग रहा, तो कैसे उसके अधिकारों को भी हमें इक्वल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, अम्बेडकर जी ने उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश की है। देखिए, आपका जीवन मिसाल होना चाहिए। नॉर्मली तो सब जी लेते हैं जिंदगी और चले जाते हैं, बट आप इस तरह अपनी जिंदगी जियो कि आपकी जिंदगी सबकी मिसाल बन जाए। अम्बेडकर जी ने एक और बात बोली थी, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, और नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम मारेगी दुनिया। नवाब कैसे बना जाता है? नवाब या तो मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन लू, ज्वेलरी पहन लू, सब, वो नवाब नहीं होता। नवाब होता आपका चरित्र, आपकी वैल्यूज, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपकी हेल्थ। जो अभी सुरेश सर ने बोला कि कैसे एजुकेशन और हेल्थ हमेशा इम्पोर्टेंट होती है, तो आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपका परिवार, इन्हीं सबसे व्यक्ति जाना जाता है, तो इन्हीं सबको आपको मजबूत करना है। देखिए, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री एज वेल एज ऑफ दिस वर्ल्ड। और अभी सबको लग रहा होगा कि बहुत आसानी से हो जाता है पेपर, नहीं, आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, डेली खुद को रगड़ना पड़ता है। और सिर्फ इस परीक्षा की बात नहीं है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए आपको खुद को अगर सबसे ऊपर पहुंचाना है तो आपको खुद को रगड़ना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। बच्चों के लिए मैसेज है मेरा,
कि मेहनत का कभी भी शॉर्टकट नहीं होने वाला। मैं आपको आज झूठी सांत्वना दे दूं कि बच्चों हो जाएगा, कम पढ़ाई से हो जाएगा या कम खेल कूद से हो जाएगा, नहीं। आपको जिस फील्ड में जाना है उसमें आपको अगर अपना 100% देना है तो आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, लक्ष्य ऊपर रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि इसकी जगह आप ये कर लो, नहीं। देखिए, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है और हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए, हमेशा। बच्चों के लिए एक और चीज, कोविड का टाइम चल रहा है, आजकल बच्चे फोन बहुत यूज कर रहे हैं। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बुक्स को बनाना है, फोन को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना। टेक्नोलॉजी जो है वो अपने शिक्षा के लिए यूज करनी है और हर चीज लिमिट में हो तो ही सही है। आप बस यही अब सबके लिए मैसेज है। एक सर ने एक और बात बोली, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, अगर मैं इस परीक्षा का थोड़ा सा आपको बेसिक फ्रेमवर्क बताऊं तो ये तीन स्तर में होती है। सबसे पहले होता है प्रेलिम्स एग्जाम, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 लाख बच्चे बैठते हैं। उनमें से 2 पेपर होते हैं, वो 4 अक्टूबर को हुआ था लास्ट ईयर। 10 लाख में से 10,000 बच्चे मेंस लिखते हैं, उसमें हमें आंसर लिखना पड़ता है पूरा पूरा। उसमें 9 पेपर होते हैं, वहां पे अगेन योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। उन 10,000 बच्चों में से वो 2,000 बच्चों ने आगे लिए उन्होंने इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू टोटली कम्युनिकेशन। आप कैसे अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते हो, कैसे अपनी वैल्यूज दिखाते हो, वो चीज इंटरव्यू में पता लगती है। तो उन 2,000 में से अब 750 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और अभी हमें 30 नवंबर से ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। 1 साल और 2 साल के बीच की ट्रेनिंग रहेगी। अभी हमें ऑफिसर ट्रेनिंग बोला जाएगा, बाद में हमें सर्विस एलोकेशन मिलेगी जो है मेरी IAS। इसमें 22 सर्विस होती हैं, IAS, IPS, IRS, इस तरह से। ये ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों सर्विसेज होती हैं। तो ये इस परीक्षा की मोटी मोटी मैं आपको फ्रेमवर्क बता रही हूँ। देखिए, एक अफसर बनने से पहले मैं आप सबके लिए एक अवसर बनना चाहती हूँ, आप सब बच्चों के लिए और मेरे समाज के लिए। मेरे साथ मेरे कजन ब्रदर आया घर, मैं उसके रूम में गई, उसने बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख रखा है रैंक 11 या रैंक 51। मेरी रैंक 51 रही है। तो मैंने उससे पूछा कि 11 और 51 क्यों? बोले दीदी 11 मेरा लकी नंबर और 51 क्योंकि आपकी रैंक थी। तो इससे मुझे ये पता लगा कि बच्चे कितने मोटिवेट होते हैं ये देख के कि हमारे में से कोई बच्चा उठ के सेलेक्ट हो रहा है तो हम भी बन सकते हैं। ये जो पोटेंशियल आता है ना बच्चों में कि मैं भी कर सकता हूँ। मैं स्कूलों में गई हूँ, गाँव के स्कूलों में गई हूँ, छोटे छोटे बच्चे आके मुझसे पूछ रहे थे दीदी UPSC क्या होता है, दीदी IAS क्या होता है। तो ये बच्चों को धीरे धीरे पता लग रहा है। तो यहीं से देखो, गाँव से ही भारत बनता है और वहीं से पोटेंशियल निकल के आता है। तो आप सब अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों को जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको 100% सपोर्ट कीजिए। और आप सपोर्ट करेंगे वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे, ये आपके लिए वादा है। आप 100% उनको सपोर्ट दीजिए। और आप सबको एक और चीज मैं बोलती हूँ, मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे कि अब हमारे साथ टाइम नहीं मिल रहा, फिर तू बाहर रहती है सारा दिन। तो यही बात है कि अब मैं उनके लिए हूँ जिनको मेरी जरूरत है। Yeah. उन बच्चों के लिए हूँ, हमेशा बच्चे मेरे प्रायोरिटी रहेंगे। कैसे, मैं हमेशा एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और अब मेरा परिवार केवल मेरा पर्सनल फैमिली नहीं है, अब मेरा पूरा भारत देश मेरा परिवार। और आप सब मेरे परिवार। जय भारत, जय भीम।